फिर मेरा नाम निशांत आप देख रहे डीके ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ नामकुम बाज़ार। बहुतों ने तो ये यहाँ नामकुम बाज़ार गए होंगे, बट रांचीवासी ये काम नहीं किए हैं तो उन्हें करना चाहिए एक बार। दरअसल अगर आप रांची में रहते हैं तो आप ज़रूर एक बार ये कार्य ये काम ज़रूर किए होंगे, नामकुम बाज़ार में बंडा मीट खाना। आज हम आपको ले चल रहे हैं नामकुम बाज़ार, आज हम नामकुम बाज़ार में जा रहे हैं बंडा मीट खाने। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नामकुम बाज़ार में बंडा का प्राइस क्या है, भुंजने का क्या रेट लिया जाता है और रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पर यह नामकुम बाज़ार स्थित है। रांची से करीब नामकुम बाज़ार आप लोगों को 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह नामकुम बाज़ार, जो कि टाटा जाने वाले रोड पर स्थित है यह नामकुम बाज़ार। आप जा सकते हैं, रांची का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है नामकुम बाज़ार, जहाँ आप लोगों की बंडा की क्वालिटी मिलती है। यहाँ आप लोगों को बॉयलर से लेकर देसी बंडा मिल जाएंगे, जहाँ आप लोगों को बंडा के प्राइस समथिंग 200 पार है कुछ। मैं आप लोगों को वहाँ जाके बता दूंगा कि प्राइस क्या चल रहा है अभी। मैं काफ़ी साल पहले गया था इसलिए मेरे को पता नहीं है प्राइस बंडा की क्या प्राइस है। आप लोगों को इस वीडियो में हर चीज़ मिलेगा कि नामकुम बाज़ार में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आज मैं आप लोगों को सारी कुछ एक्सप्लोर करूँगा इस नामकुम बाज़ार को लेके। चलिए हमारे साथ नामकुम बाज़ार, फिर मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, मिलता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ नामकुम बाज़ार के बारे में। और चलिए और क्या ही बोल सकता हूँ, आज बहुत दिनों के बाद मैं चल रहा हूँ नामकुम बाज़ार। चलिए चलता हूँ और आप लोगों को मिलता हूँ बाज़ार में। चलिए कपूरिया रोड में इधर लहसुन प्याज लेना पड़ता है यहाँ पे। इधर है इस साइड है तो भी करते हैं बंडा सब कर लो। किस टाइप में पोर्क है, बोनलेस विदाउट बोनलेस साफ सुथरा सभी है, ठीक है। फ्रेंड्स आज हम आए हुए हैं बंडा बाजार, इधर देख रहे हैं मेरे करने आए हैं। हमने तो बंडा खरीद लिया है, बंडा का रेट 260 रुपये चल रहा है अभी। मेरे बाल तो मत जाइए, बाल क्योंकि बहुत ही ख़राब है अभी यहाँ पे। चलिए बाज़ार में आप लोगों को मिलता हूँ आगे। लाड़ा बाल नहीं बन रहा है, क्या है तुम काम को सफ़ा कर रहे हो? कितना लेते हैं आप काम? 30 रुपये। ये सब सही है या फिर करा के देखिए ना सर? सही नहीं है, समझ रहे आप, समझ रहे हो ना? इधर गुड़ी राहुल गुड़िया और इधर निशान। इस राहुल को बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ का, बहुत बार आया है, मतलब बचपने से जब से वो होश संभाला है यहाँ आ रहा है। साइकिल से कई पैदल जैसे समय मिले वो आ जाता था घर, चाहे कितना दूर हो बांडा खाने नहीं आता था वो। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, पूरा भी तो दबा के मारेगा पूरा। हेलो गाइस, बंडा बाज़ार में आके कुछ अलग ही अनुभव प्राप्त हो रहा है। हमने देख रहे हैं ना क्या करना पड़ रहा है, घर वाले काम करने पड़ रहे। अरे वाह, बहुत प्याज काट रहा है? नहीं पहली बार काट रहा है, पहली बार काट रहेगा? पहली बार तो नहीं काट रहा हूँ, आज बाहर इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे बाज़ार बाज़ार दिखा रहा है मेरा कैमरा मैन, जो कि कृष्णा है कैमरा मैन। यह हमारा मसाला है, यहाँ बनवाने के लिए जाता है 50 रुपया आधा केजी का, 1 केजी का 100 रुपये लिया जाता है। ये भाई लोग लेते हैं 100 रुपये 1 केजी के बनाने का।
चूल्हा का लेते हैं प्राइस 100 रुपया ले जाता है घूमने का। ये हमारा लेकिन ये तैयार हो गया है, बनाने वाले आज ये है हमारे राहुल गुड़िया। तब कैसा लग रहा है बाजार में आके? अच्छा लग रहा है बोलते हैं बाजार में आके। आज बंडा भूंज रहे हैं यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से पूरा अपना बनाने में व्यस्त है बहुत। चलिए आप लोगों को मिलता हूँ खाना खाने के टाइम। रांची के काफ़ी लड़के यहाँ आते हैं बंडा बाजार खाने, देख सकते हैं कितनी सारी बाइकें लगी हुई हैं यहाँ पे एक खाने के लिए। वासी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे बंडा मीट खाने, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। दस में यहाँ पे 3 रोटी, 10 में 3 रोटी दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं नामकुम बाज़ार का दृश्य है जो कि रांची का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है। ये बाज़ार बृहस्पतिवार और रविवार को लगाया जाता है, यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ होती है और ये बाज़ार बंडा बाज़ार के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं बंडा खाने के लिए। ये हमारा देसी तरीका है, देसी बंडा है। हमारे पास तो KFC जाने का पैसा नहीं है कि हम KFC जाए और खाना खाएं। आप देख ही सकते हैं ये छिलका रोटी है, ये हमारे नमक और ये बंडा। मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये लोग देख रहे हैं ना अपने आप पूरा लगे हुए हैं पूरा खाने में बंडा का। और ये हमारे दोस्त और ये हमारे ये पार्टनर लोग इधर पहुँच चुके हैं, इधर जस्ट हमारे साथ ही इधर पहुँच चुके हैं। ये जहाँ भी जाता हूँ मैं ये पहुँच जाते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। चलिए अब टेस्ट करता हूँ मैं, अब फिर कुछ आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा है। तब आप लोगों को कैसा लगा बंडा का टेस्ट? सही है बोलते हैं। बोल रहे ना, आपको कैसा लगा बंडा का टेस्ट? आ रहा है, बनाया बचपन से बना रहा है। मस्त है ये, बहुत बोलने की कोशिश कर, बचपन से ही बनाते आ रहा है, इसका टेस्ट अच्छा है, मतलब बचपन से बना रहा है। समझ नहीं, बचपन से ये बजा रहता है। चलिए अब मैं टेस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। आज मेरे को लेफ्टी हाथ से खाना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड से तो मैं कैमरा पकड़ा हूँ। ये लोग समझ रहे ना, ये लोग पकड़ नहीं रहे कैमरा, खाने में इतने उस्ताद है ना कि कैमरा नहीं पकड़ेंगे बोलते हैं, पहले खा लूँगा फिर कैमरा पकड़ूंगा बोलते हैं। इसलिए मेरे को राइट हैंड से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है और लेफ्ट हैंड से खाना पड़ रहा है। देख सकते हैं इधर रोटी है, ये रोटी छिलका रोटी खा ही सकते हैं। हमारे पास तो KFC जाने के पैसे नहीं है कि हम KFC जाके खाए, हमारे पास यही है देख सकते हैं। इतने से मैं और 3 आदमी है, हम 3 आदमी 3 गोई है और समझ रहे इतने से बस। ये टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को टेस्ट कैसा है। अब टेस्ट करना तो कुछ टेस्ट कर लेगा, जैसे फिल्मों में खाते ना वैसे खाइएगा। एक बाइट है, एक रोटी है, एक छिलका रोटी का बाइट। अगर आप छिलका रोटी नहीं खाए हैं तो एक बार सर्च कर ले छिलका रोटी, गांव घर में अगर आप जाते हैं तो उस वही रोटी है। आइए खाते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसका मोटा लग रहा है, चावल का लग रहा है, उसका आटा का है। वो पूरा आटा का है और चावल का है। चलिए अब मैं खा लेता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बंडा बाजार। आप लोगों को बताऊंगा कुछ यहाँ के बारे में, कुछ विशेष तथ्य बताऊंगा आगे, आप वीडियो में बने रहे हैं। स्वादिष्ट से भोजन मिला गया है बंडा के पास। बाजार घूम ही लिया। ये रांची का सबसे बड़ा बाजार लगाया जाता है जो कि नामकुम में है। ये नामकुम का सबसे बड़ा बंडा बाजार है, यहाँ आप लोग बंडा खाने आ सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस है यहाँ बंडा की, जो कि 1 KG का प्राइस आप लोगों को पड़ेगा 260 रुपये KG है। अगर आप लोग यहाँ बंडा भुंजवाते हैं या दुकान में छोटे मोटे ये लगाए गए ना प्लास्टिक के, उधर देख रहे हैं ना वहाँ, अगर आप लोग भुंजाते हैं तो आप लोग 1 KG का 100 रुपये लिया जाता है ये बंडा बाज़ार में। नामकुम बाज़ार काफ़ी फेमस है, यहाँ काफ़ी लड़के आते हैं, जेवियर के लड़के, गोसनर के लड़के और काफ़ी लड़के आते हैं यहाँ बंडा खाने के लिए। मैं भी आज बहुत दिनों के बाद बंडा खाने आया हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग बाज़ार एक बार ज़रूर विज़िट करें। अगर आप बंडा खाने नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएँ इस बंडा बाज़ार में। अगर जो लड़के आते हैं और वो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और कौन कौन भाई लोग आता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और क्या ही बोल सकता हूँ मैं आप लोगों को, ये बाज़ार काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। मैं यहाँ पहले बहुत आता था 12th के टाइम में, अभी तो बहुत कम कर दिया हूँ, अभी तो मेरा पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गया इसलिए मैं नहीं आता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स,
और अपने छोटे भाई को सपोर्ट तो जरूर करें, तभी तो मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को दे पाऊंगा। जय झारखंड। तो गाइस आइए इसे पूछते हैं बंडा बाजार में इसको आके कैसा लग रहा है। पता नहीं ये फर्स्ट टाइम आया है, इसको पता नहीं अच्छा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। चलिए इसे पूछते हैं, तब आपको कैसा लग रहा है बंडा बाजार आगे? अच्छा था, सब कुछ यहाँ पे सस्ता ही है, 260 में आपको मिल जाता है बांडा। उसके बाद आपको प्याज हुआ सब मसाला उसाला साथ आपको 50 रुपए मिल जाता है सब कुछ। और पूरा कहानी पूरा शुरू कर दिए, कैसे लगता है पूरा 50 रुपए? टेस्ट कैसे लगा बंडा का? टेस्ट कैसा? बहुत अच्छा था। अच्छा वो तो उसमें आप लोग रिकमेंड करते हैं कि किसी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमको मैं बेस्ट है, आइए एक बार विजिट कीजिए, देखिए कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अबे लाइक, अरे छोड़िए।